डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने एज ऑफ चासर पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कंटेम्परेरीज ऑफ चासर की, और उसमें सबसे पहला वीडियो हम ये दे रहे हैं आपको जॉन गॉवर। जॉन गॉवर चासर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट राइटर था। इसको चासर ने अपना वर्क भी डेडिकेट किया था, जिसमें इसे मॉरल गॉवर कहा था। तो इसके विषय में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। He is English poet and called Moral Gower by Chaucer। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप सही कर लेंगे। Moral Chaucer लिखा हुआ है, इसे आप Moral Gower by Chaucer कर लेंगे। And he wrote three major poems, that is Meitre de la Omme, ये फ्रेंच में था। Next is Vox Clamantis, ये लैटिन में है। And English work is Confessio Amantis। और चौथा इसका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है वो लैटिन का है, स्पेकुलम मेडिटेट मेडिटेट सॉरी स्पेकुलम मेडिटेंटिस। ओके, ये चार वर्क्स हैं, लेकिन फर्स्ट थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें से फर्स्ट टू के टाइटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कन्फेसियो एमेंटिस इंग्लिश का है, थोड़ा सा डिटेल उसका काम का है। बहुत इम्पोर्टेंट राइटर नहीं है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। तो पहले हम बात करते हैं डेला ओमी, मिरर ऑफ मैनकाइंड, इसका मीन्स होता है इंग्लिश में, रिटन इन लैम्बिक ऑक्टासिलेबिक। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ, लैम्बिक लिखा हुआ है, इसे लैम्बिक कर लेंगे। लैम्बिक ऑक्टासिलेबिक, इट्स थीम इज मैन्स सॉल्वेशन। नेक्स्ट इज वोक्स क्लेमेंटिस, इट इज एन एलजियाक वर्स, इट इज कंसर्न विद योर सॉरी वॉट टायलर्स रेबेलियन ऑफ 1381। जैसा आप जानते हैं वॉट टायलर्स रेबेलियन यानी कि पीजेंट्स रिवोल्ट, उसी को वॉट टायलर्स रेबेलियन भी कहते हैं। ठीक है, इन दिस पोएम ही वाइज्ड हिज ओन फियर ऑफ नाइटमैरिश अपराइजिंग। ओके, एक बात हम और बताते चले कि जॉन गॉवर फार्मर्स का सपोर्टर नहीं था, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ रॉयल्टी। नेक्स्ट वर्क इज कन्फेसियो एमेंटिस, इट वॉज रिटन इन ऑक्टासिलेबिक मीटर, सब्जेक्ट इज लव बट कॉल्ड इट मोर अ मॉरल बुक। इसका जो सब्जेक्ट है वो लव है, लेकिन इसे मॉरल बुक कहते हैं। द पोएट अप्रोचेज Venus, the goddess of love, who asked him to make his confessions to her priest, genius. A personage borrowed from Romant de Rose, means ये एक person है जिसको Romance of the Roses से लिया गया है। Before hearing the confession, Genius tells him stories to illustrate the seven deadly sins and their subdivisions so that poet can confess accordingly. After the confession, the poet is mocked and dismissed by Venus, too old for love and asked to stick to morality. Next work is Speculum Meditantsis. It is a long sermon in verse on the immorality of the age. Okay, बस इतना ही हमें जॉन गॉवर के विषय में पढ़ना है। That is enough for our examination. We discuss other topics in next videos. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then please like, share, and if you are new, subscribe the channel. For more videos, then all the best.